क्लास सेकेंड ईयर के लिए आज ट्रांसफॉर्मेशन में लेसन 3 से असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। अब असर्टिव सेंटेंस दो तरह का होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वो अफर्मेटिव, निगेटिव निगेटिव है तो अफर्मेटिव। यह आप समझ सकते हैं आसानी से। रूल नंबर एक में जब असर्टिव वाक्य अफर्मेटिव में होता है तो उसे इंट्रोगेटिव निगेटिव में बनाते हैं। जब असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में होता है तो उसे इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं। इस चार्ट से आप समझ सकते हैं। जिन वाक्यों में सहायक क्रिया नहीं होते हैं उसमें टेंस के अनुसार सहायक क्रिया जोड़ देते हैं, जैसे डू, डज, डिड इत्यादि। यहां हमको सहायक क्रिया मिला है, यू आर प्लेइंग कार्ड्स, तो हम इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव बना देंगे। आर यू नॉट प्लेइंग कार्ड्स, प्रश्नवाचक निशान। सी सिंग्स ए सॉन्ग, यहां हमको सहायक क्रिया नहीं मिल रहा है लेकिन प्रेजेंट टेंस है तो डज लगा दिया हमने, डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग। नंबर तीन उदाहरण देखें, दे ब्रोक द चेयर, ब्रोक यानी पास्ट इंडेफिनिट यानी डिड का प्रयोग, डिड दे नॉट ब्रेक द चेयर। यह था नियम संख्या एक। अब आते हैं नियम नंबर दो, जब असर्टिव वाक्य निगेटिव में होता है, जब असर्टिव वाक्य निगेटिव में होता है तो उसे इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में बनाते हैं, तब उसको इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में बनाते हैं, नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे सीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, डज सीता सिंग अ सॉन्ग। ही डिड नॉट कम टू मी यस्टरडे, केवल डिड को बाहर कर दिया, डिड ही कम टू मी यस्टरडे। यह नियम नंबर दो था, जब असर्टिव वाक अफर्मेटिव होगा तो उसको हम क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव, जब निगेटिव वाक होगा तो उसको हम इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव बनाएंगे। नियम नंबर तीन, जब असर्टिव वाक्य में के शुरू में एवरी वन, एवरी बॉडी, एनी वन, एनी बडी, सम वन आदि शब्द होते हैं तो उनके स्थान पर हु का प्रयोग करके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। अगर कोई वाक्य एवरी वन से शुरू होता है, एवरी वन वुड लाइक टू बी वाइज, तो हमने बोला एवरी वन के बाद एवरी वन के स्थान पर क्या लगा दिया, हु, और हेल्पिंग वर्क के बाद नॉट, तो हु वुड नॉट लाइक टू बी वाइज। एवरीबॉडी के जगह भी हमने हु लगा दिया, एवरीबॉडी लाइक ए गुड स्टूडेंट, हु डज नॉट लाइक अ गुड स्टूडेंट। ये नियम नंबर तीन था, यानी एवरी वन, एवरीबॉडी, एनी वन, एनी बडी, समवन के स्थान पर क्या करेंगे, हम हु का प्रयोग कर देंगे और जो भी उस टेंस में सहायक क्रिया होगी उसके बाद हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। नियम नंबर चार, जब असर्टिव वाक्य के शुरू में नो बडी, नन, नो वन, नथिंग आदि शब्द आते हैं तो उनके स्थान पर हु का प्रयोग करते हैं। नो बडी हैज सीन द विंड, तो हु हैज सीन द विंड, हमने नो बडी की जगह हु लगा दिया। नन वुड लाइक टू बी कॉल्ड अ फूल, तो हमने नन के जगह क्या लगा दिया, हु लगा दिया, हु वुड लाइक टू बी कॉल्ड अ फूल, यानी नो बडी, नन, नो वन, नथिंग अगर हो तो उनको हटा करके उसके जगह पर हम हु का प्रयोग कर देते हैं। तो यह हमारा होता है असर्टिव से इंट्रोगेटिव वाक्यों को बनाना। अगर हम चाहें तो इंट्रोगेटिव से असर्टिव भी इसी नियम को अगर उल्टा कर दें हम, तो हम इंट्रोगेटिव से हम असर्टिव वाक्य भी हम बना सकते हैं। अब हम आते हैं एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस बनाने का क्या नियम है। आश्चर्य वाले वाक्यों का असर्टिव, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ से शुरू होता है, एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो उनका असर्टिव वाक्य का सूत्र हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हाउ को हम वेरी में बदल देंगे और एडजेक्टिव लिख देंगे। जैसे हाउ क्लेवर यू आर, तो हमारे पास बना यू आर वेरी क्लेवर, हाउ को हमने वेरी में बदल दिया, सब्जेक्ट को हम आगे ले आए, वर्ब ले आए आगे, आ गया, हाउ को वेरी में बदल दिए, एडजेक्टिव हमारा क्लेवर हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट देखें,
वाट से अगर कोई वाक्य शुरू होता है तो वाट एडजेक्टिव नाउन सब्जेक्ट और वर्ब होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। जब असर्टिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट को पहले करेंगे, तब वर्ब वाट ए को अ वेरी लिख देंगे, एडजेक्टिव और नाउन। जैसे वाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, तो सी इज हमारा सब्जेक्ट था तो आगे हो गया सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। वाट अ को हम क्या करेंगे वेरी में बदल देंगे। तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नियम नंबर एक है। जब वाट के बाद कोई नाउन आता है तो वाट को ग्रेट में बदल देते हैं। वाट के बाद कोई नाउन आ जाए तो वाट को ग्रेट में बदल देंगे। वाट ए फूल यू आर, तो सब्जेक्ट को पहले सहायक क्रिया, फिर वाट के जगह पर ग्रेट और फिर नाउन, यू आर ए ग्रेट फूल। नोट नंबर दो देख लें। आश्चर्य वाले जिन वाक्यों में सब्जेक्ट में वर्ब छिपा रहता है उनका असर्टिव बनाने के लिए इट इज का प्रयोग करते हैं। व्हाट अ स्टॉर्मी नाइट, तो हमने इट इज को सब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग कर लिया, व्हाट को वेरी लिख दिया, स्टॉर्मी नाइट, तो इट इज वेरी स्टॉर्मी नाइट। अब नियम नंबर दो पर आते हैं। जिन वाक्यों में अलास यानी सौरो होता है, सौरो प्रकट होता है, हुर्रा से ज्वाय प्रकट होता है, अब्रैभो से अपलाउज यानी प्रशंसा यानी दुख, अलास से दुख शोक, हुर्रा से खुशी प्रसन्नता, ब्रैभो से प्रशंसा हो, तो अलास वाले वाक्यों में अलास को हटाकर इट इज सैड दुखी वाला में बदल देते हैं। जैसे अलास आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, तो अलास की जगह पर हमने क्या प्रयोग किया, इट इज सैड दैट आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। बाकी वाक्य को हम वैसे ही लिख देते हैं, केवल अलास को हटा देते हैं। हुर्रा वाले वाक्यों में इट इज वेरी जॉयफुल दैट, तो हुर्रा वी हैव गॉट गुड मार्क्स, तो हुर्रा को हटा दिया हमने, हमने उसके जगह लिखा इट इज वेरी जॉयफुल दैट। बाकी वाक्यों को हमने वैसे ही उतार दिया, वी हैव गॉट गुड मार्क्स। ब्रावो वाले वाक्य हैं तो इट इज प्रेजवर्दी दैट या जॉयफुल दैट, प्रेजवर्दी की जगह हम जॉयफुल दैट भी लिख सकते हैं। जैसे लिखा ब्रावो यू प्लेड वेल, तो ब्रावो की जगह पर हमने क्या लिखा, इट इज प्रेजवर्दी या इट इज जॉयफुल, दोनों प्रयोग कर सकते हैं। दैट लगा करके यू प्लेड वेल को ऐसे ही हम लिख देते हैं। इच्छा वाले वाक्यों में ओ तथा उड, अगर वाक्य में ओ से शुरू हो या उड से शुरू हो तो क्या करते हैं, उनको हटा करके उनके जगह पर हम क्या लिखते हैं, आई विश। ओ को हटा देंगे, उड को हटा देंगे, उसके जगह पर क्या लिखेंगे, आई विश। जैसे हमारे पास उदाहरण है, ओ दैट आई वर किंग, आई विश ओ के जगह लगा दिया हमने आई विश, तो आई विश दैट आई वर अ किंग। उड दैट वी मे लीव टूगेदर, उड को हटा दिया हमने, उड के जगह क्या लिख दिया, आई विश। बाकी वाक्यों को हमने वैसे ही दैट वी मे लीव टू गैदर से हमने बना दिया। यह था हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव बनाना। अगर हमको असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी भी बनाना होगा तो इन्हीं नियमों को हम उल्टा कर देंगे, जो हम लगा रहे हैं वो हम पुनः वापस कर देंगे, तो हमारा एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी, दोनों तरह का नियम हम बना सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने वाक्यों का परिवर्तन पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में और तीसरे चैप्टर में हमने पूरा किया आज, तो हमारा इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का यह भाग समाप्त होता है।